नमस्कार दोस्तों, यह है हीरो की स्प्लेंडर प्लस i3s BS6। इसमें पांच वेरिएंट आते हैं, नौ कलर का ऑप्शन मिलता है। आप देख रहे हैं स्प्लेंडर प्लस का ब्लैक विद स्पोर्ट्स रेड कलर। जुलाई 2021 के बाद इसकी ऑन रोड कीमत कितनी बढ़ गई है, इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश का वाइजर मिल जाता है, जिसके ऊपर हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर दिया गया है। और इसके वाइजर के दोनों साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको येलो कलर के इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हैं और इनमें नॉर्मल बल्ब दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, जिसके अंदर 35 वाट का बल्ब दिया गया है। और यहाँ से आप इसके टायर की ग्रिप को देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी डिजाइन की गई है। और यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में इसका फ्रंट वाला मडगार्ड मिल जाता है। इसके साइड में आपको IBS का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। इसके फ्रंट वाले टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 80/118 का टायर साइज़ मिल जाता है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, C8 कंपनी के दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो यहाँ पर आपको फुली एनालॉग टाइप का मीटर देखने को मिल जाता है, जो आपको पहले मिलता था। और यहाँ पर आपको जो है साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट, i3s की इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको गियर की न्यूट्रल लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट, मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट, और यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर, और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको क्रोम की हैंडल बार रॉड मिल जाती है। और इसमें आपको पुराने वाले ही साइड मिरर मिल जाते हैं। और स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर भी आपको जो है i3s का स्विच मिल जाता है, जैसा कि ये i3s टेक्नोलॉजी वाली बाइक है। और इसके नीचे की साइड में आपको जो है सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। तो यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स को देख सकते हो, जो कि रेड सिल्वर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, जिसके ऊपर हीरो की ब्रांडिंग दी गई है। और इसके बैटरी पैनल के ऊपर स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो और नीचे की साइड में i3s का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि ग्राफिक्स के साथ में दिया गया है। और इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ भी आपको 80/118 का टायर साइज़ मिल जाता है, C8 कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और इसके पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हो। इसकी सीट के काउल के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती है। और इसकी सीट की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सीट की क्वालिटी मिल जाती है। इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। और इसके पीछे की साइड में आपको वही पुराना वाला ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि मेटल का क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। और इसके पीछे की टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पर आपको बल्ब वाले टेल लैंप देखने को मिल जाती है। और इसके दोनों साइड में आपको फ्लेक्सिबल टाइप के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बल्ब के साथ दिए गए हैं। और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ भी आपको जो है सीट के काउल के ऊपर ग्राफिक्स की पट्टी देखने को मिल जाती है। और इसके दूसरे पैनल पर भी आपको स्प्लेंडर प्लस और i3s का लोगो मिल जाता है। और इसकी जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर की दी गई है। और इसके पीछे की साइड में आपको एक ब्लैक कलर का सारडी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि अभी असेंबल नहीं है। और यहाँ पर आपको एक सस्पेंशन दिया है। और इसका जो पीछे वाला जो चेनसेट कवर है वो मेटल का दिया गया है, जैसा कि आप इसका कलर देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया है। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड देखने को मिल जाते हैं। इसके साइड स्टैंड के ऊपर एक सेंसर दिया है। और यहाँ पर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 4-स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। इसके इंजन के हेड के ऊपर एक सेंसर दिया है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC BS6 FI का इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर है 8.02 PS की 8000 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 RPM पर। इसका कर्व वेट है 112 kg। इसके माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 70 से 75 का आसानी से माइलेज मिल जाएगा, अगर आप इसको 40 से 50 की स्पीड पर चलाते हैं तो। और यहाँ पर आपको एक लेग गार्ड मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। इसके इंजन के दूसरी साइड भी आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्रामेड FI की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसके टूल बॉक्स के ऊपर दी गई है। और यहाँ पर आपको
एक स्पार्क प्लग और एक नीचे की साइड में ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे की साइड में एक कैटेलिटिक कन्वर्टर दिया गया है जिसके ऊपर एक प्लेट भी मिलती है जो कि अभी लगाई नहीं गई है। और यहाँ पर आपको एक ब्रेक पैड मिल जाता है जो कि सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से बनाया गया है, और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट और किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके इंजन के हेड के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर सेल्फ की मोटर दी गई है, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का सेटअप देखने को मिल जाता है, जैसा कि इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं, और इसके एग्जॉस्ट के ऊपर एक लंबी सी क्रोम की प्लेट देखने को मिल जाती है। जब ये BS6 में अपडेट हुई थी तो तभी से इसका जो साइलेंसर था वो बदल दिया था, जैसा कि आप इसकी डिज़ाइन को देख सकते हो, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दी गई है। और चलते हैं दोस्तों इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो है इसका इंजन का और इसके एग्जॉस्ट का मैं आपको साउंड सुना देता हूं। तो हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ से आप जो है इसके इंजन का साउंड सुन सकते हो। जैसा कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग समय तक इसका जो इंजन है वो चलता है। अब दोस्तों यहाँ से आप इसके जो है एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन सकते हो दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो 1 जुलाई 2021 के बाद इसकी जो कीमत है वो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ गई है, और आज की डेट में हीरो स्प्लेंडर प्लस i3s सेल्फ स्टार्ट BS6 की ऑन रोड कीमत 83,050 रुपये 83,050 रुपीज़। यह ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है साइनोश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप भी अपने गांव या शहर की हीरो स्प्लेंडर प्लस की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का हीरो स्प्लेंडर प्लस का ऑन रोड प्राइस आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नई बाइक और स्कूटर की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में TVS रेडियन के साथ में।